दोस्तों, जैसा कि अभी मॉडल देख पा रहे होंगे 13x18 का बहुत ही स्मॉल हाउस प्लान है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे फुल प्रोसेस 13x18 का एक स्मॉल हाउस प्लान। एक हमारे सब्सक्राइबर्स उनके कहने पर डिजाइन किया है और जैसा कि अभी मॉडल देख पा रहे हो फ्रंट से आपको ऐसा दिखने वाला है। और यहाँ पर मैंने 3 मंजिल डिजाइन किया है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर। तो देखिएगा ये फ्रंट से डिजाइन आपको ऐसा दिखेगा। अगर इसके टॉप व्यू की बात करें, हम ऊपर की बात करें, तो आपको ये ऐसा दिखने वाला होगा। तो ये पूरा डिस्कस करेंगे और हम इसका साइज के बता ही चुके 13x18। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं है स्मॉल हाउस प्लान से, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें। अगर आपका कोई भी मॉडल है, अगर आप चाहते हैं कोई भी घर का नक्शा, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सारे डिजाइन तो नहीं कर सकता, किसी एक का जरूर सिलेक्ट करके डिजाइन करने वाला हूँ। तो चलो हम सबसे पहले इसके पहुंच चलते हैं हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर। तो फ्रंट की अगर हम बात करें तो देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। फ्रंट से आपको ग्राउंड फ्लोर ऐसा दिखने वाला होगा और ये आपको जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये एक राउंडेड सीढ़ियां है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत ही कम है। 13x18 के रूम्स होते हैं, वहां पर पूरा एक मकान आपको डिजाइन करना होता है। तो जैसे ये देखिए, इसका मेन गेट है, यहाँ से आप जैसे एंटर करते हैं तो आपको सबसे पीछे एक बेडरूम मिलता है, ठीक है। और इस बेडरूम में ही आपको अपना किचन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ओपन किचन आपको बनानी पड़ेगी क्योंकि जगह बहुत ही कम है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको लेटरिन बाथरूम कंबाइंड मिलने वाला है और ये आपका थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा, यहाँ पर आप अपनी बाइक या अदर थिंग्स से पार्क कर सकते हैं। ये बेडरूम हो गया, यहीं पर आपका किचन यहीं पर बनाना पड़ेगा, कोई सेपरेट नहीं बन पाएगा क्योंकि जगह बहुत ही कम है। और ये आपका लेटरिन और बाथरूम होगा और ये एक ओपन स्पेस होगा, ये आपको पूरा डोर। अगर मैं स्टेयर्स की बात करूं, पर आपको जाना है तो उसके लिए आपको बाहर एक राउंडेड वाला जो स्टेयर से आता है छोटा सा, उससे ही गुजर कर जाना है। जगह आपका इस मॉडल में नहीं मिल पाएगा। तो ये पूरा हो गया ग्राउंड फ्लोर। अब हम चलते हैं आपको लेकर इसके फर्स्ट फ्लोर पर। तो देखिएगा, जैसे आप राउंडेड होकर इससे राउंड वाली सीढ़ी से ऊपर होकर आते हैं तो यहाँ पर आपको सेम टू सेम पीछे वाला बेडरूम मिलता है और यहाँ पर लेटरिन हट जाता है। ये आपके बड़ा सा हॉल समझो या पीछे वाला जैसा बेडरूम है वो सेम मिलेगा। और यहाँ से आप गेट है जो एंट्री के लिए है, ऊपर विंडो भी है। ये सिर्फ डिजाइनिंग है, ये सिर्फ आप ओपन भी रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको एक रूम एज ए रूम भी डिजाइन कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर। तो ये आप अगर ओपन रखना चाहें तो ओपन रख सकते हैं और रूम रखना चाहें तो रूम डिजाइन कर सकते हैं। फ्रंट से ये मैंने डिजाइनिंग दिया, ये ग्लासेस यहाँ पर लगे हैं और ये भी ग्लास लगा है जिससे आपका ये डेकोरेशन और भी बेहतरीन दिखने लगे। तो ये हो गया इसका फर्स्ट फ्लोर, साइज वही रहेगा। अगर आपको रूम का साइज जानना है, रूम का, किचन का, तो हमारी वेबसाइट है smallhouseplan.com, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां पर क्लिक करेंगे तो इसके 2D मॉडल पर आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको एक एक हर एक चीज का डायमेंशन बताया गया है कि कितने बाई कितने का रूम है, किचन कितना है, फुल डिटेल दिया गया है। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट फ्लोर। अगर हम सेकंड फ्लोर की बात करें तो ये आप सेकंड फ्लोर देख पा रहे होंगे, फ्रंट से ऐसा और टॉप व्यू ऐसा, सेम बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर के तरीके से इसका फर्स्ट फ्लोर भी है। तो ये पूरा मॉडल था 13x18 का जो मैंने डिस्कस किया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसको ट्रांसपेरेंट करके आपको और दिखा देता हूँ कि मैं आपकी बार ट्रांसपेरेंट आपको मैंने दिखाया नहीं। तो इसको जैसे आप ट्रांसपेरेंट करते हैं, मतलब दीवारें हाइड हो जाएंगी, तो देखिए ट्रांसपेरेंसी में आपको ये मॉडल ऐसा दिखने वाला होता है। तो ये पूरा मॉडल था ऊपर से लेकर नीचे तक, जैसा कि मैंने डिस्कस किया। अगर आपका कोई भी सजेशन है या सुझाव है, या अगर आप बताना चाहते हैं कि सर ऐसा कुछ होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप कोई मॉडल डिजाइन करवाना चाहते हैं स्पेसिफिक, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करें और आपका हम जितने जल्दी पॉसिबल होगा आपका मॉडल डिजाइन करके आपको जरूर देंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल।